हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संगीताज पेन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेयर फॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में और उनके सल्यूशन के बारे में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हेयर फॉल की समस्या एक आम समस्या हो गई है और बारिश के मौसम में ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे हेयर फॉल का होना या डैंड्रफ का होना, बालों का पतला होना, ये सारी समस्याएं बरसात के मौसम में और ज़्यादा हो जाती। तो इन सारी समस्याओं का एक सलूशन मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जो ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, इस पर आपका ज़्यादा अमाउंट भी नहीं लगेगा। ये ट्रिक आपके किचन में ही अवेलेबल है। इस ट्रिक को अपनाने के लिए आप सबसे पहले एक ऑनियन लें और उसे अच्छे से कट करके ग्राइंड कर लें। फिर एक कपड़े की हेल्प से उसे छान लें, क्योंकि हमें इस ग्राइंड किए हुए ऑनियन का रस चाहिए। ऑनियन जूस हम अपने हेयर पर अप्लाई करेंगे। अब कॉटन बॉल की हेल्प से आप इस ऑनियन जूस को अपने हेयर पर अप्लाई करें और पूरे हेयर पर स्कैल्प से लेकर जहाँ तक आपके हेयर की लेंथ है वहाँ तक इसे धीरे धीरे अप्लाई करते रहें। ऐसा करने से आपके हेयर लॉन्ग होंगे, साथ ही आपके हेयर से रिलेटेड जो भी समस्या है, हेयर का पतला होना या हेयर का टूटना या फिर डैंड्रफ की समस्या, इन सभी परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। आप ऑनियन जूस को अपने हेयर पर वैसे ही अप्लाई करें जैसे इस वीडियो में बताया गया है। जब तक आप इस वीडियो में अप्लाई करने के तरीके देखते हैं, मैं आपको ऑनियन जूस के बेनिफिट बता देती हूँ। ऑनियन जूस में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जिस कारण से हमारे हेयर को जो हेयर फॉल की समस्या होती है उससे राहत दिलाता है। ऑनियन जूस को एक वीक में 3 या 2 बार भी अपने हेयर पर अप्लाई करते हैं तो आपकी बालों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। साथ ही आपके बाल शाइन करेंगे, उनमें एक अलग ही चमक दिखेगी। क्योंकि जब हम ऑनियन जूस को अपने हेयर पर अप्लाई करते हैं और स्कैल्प पर अप्लाई करते हैं, तो उस समय हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो ग्रोथ ऑटोमेटिक ही होगी। आपको एक ऑनियन से इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, तो क्यों ना आज से ही ऑनियन जूस को अपने हेयर पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार तो हम अपने हेयर के लिए, अपने फिटनेस के लिए समय निकाल ही सकते हैं। तो आज से ही शुरू करें, भी अपने हेयर पर ऑनियन जूस को लगाएं। कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा अपने बालों पर लगा रहने दें। अगर आपको ऑनियन की जो स्मेल आती है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप इसको रात को सोते समय लगाएं और सुबह हेयर वॉश कर लें, यह आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ध्यान दें कि हेयर वॉश करते समय आप गुनगुने पानी का यूज करें और आप कोई भी शैम्पू से अपने हेयर वॉश ईजिली कर सकते हैं। तो ये था हेयर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम का 1 सॉल्यूशन। आप 1 या 2 मंथ तक इस चीज़ को कंटिन्यू हफ्ते में 2-3 बार यूज करके देखें और फिर कमेंट करके बताएं कि क्या बेनिफिट मिले आपको ऑनियन जूस के यूज से, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हुई या इस ऑनियन जूस के यूज से। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, पसंद आई, तो इसे अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें और ऐसी जानकारियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मेरे ब्लॉग संगीतासपेन.com को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं हेल्थ बेनिफिट से रिलेटेड पोस्टें पब्लिश करते रहती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।